चीन ने धोखे से दूसरे देशों की पनडुब्बियों को खत्म करने के लिए एक चेन एंड एंकर जाल बनाया था, लेकिन उसी जाल में चीन की ही एक न्यूक्लियर सबमरीन फंस गई, जिसके चलते चीनी नेवी के 55 ऑफिसर्स को अपनी जान गंवानी पड़ गई। लेकिन हर बार की तरह इस बार भी चीनी सरकार ने इस खबर को ही झूठा बता दिया। पर ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार येलो सी में मौजूद चीन की एक पनडुब्बी 93417 चेन एंड एंकर ऑब्स्टेकल से टकरा गई थी, जिसकी वजह से पनडुब्बी का ऑक्सीजन सिस्टम खराब हो गया और पनडुब्बी को पानी के ऊपर लाने में भी 6 घंटे लग गए, जिसके चलते पनडुब्बी के अंदर मौजूद 55 अधिकारियों की दम घुटने से मौत हो गई। लेकिन शर्म की बात यह है कि इसके बावजूद भी चीनी सरकार उन चीनी सैनिकों की कुर्बानी को मानने तक को तैयार नहीं है। यही है चीन की असली सच्चाई। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। एशिया की सबसे बड़ी आर्टिफिशियल नहर अफगानिस्तान बना रहा है। बरसों से गरीबी, भुखमरी और आतंकवाद से परेशान रहे अफगानिस्तान की किस्मत इस नहर से हमेशा हमेशा के लिए बदल जाएगी। अब ऐसा क्या खास है इस आर्टिफिशियल नहर में, चलिए जानते हैं। दरअसल अफगानिस्तान जो एशिया की सबसे बड़ी आर्टिफिशियल नहर बना रहा है, वो 285 किलोमीटर लंबी और 500 फीट चौड़ी है। इस नहर का नाम है कोस्ट टेपा कैनाल। खास बात यह है कि इस नहर को बनाने के लिए अफगानिस्तान ने किसी भी विकसित देश की कोई भी मदद नहीं ली। चारों दिशाओं से लैंड लॉक अफगानिस्तान में हिंदू कुश के बर्फीले पहाड़ ही पानी का सबसे बड़ा स्रोत थे, लेकिन अब इस कैनाल की मदद से अफगानिस्तान के फरियाब, बल्ख और जोजन प्रांत की 5.5 लाख एकड़ जमीन फिर से हरी भरी हो जाएगी। इसे बनाने की डेडलाइन 2028 तक रखी गई थी, लेकिन काम इतना तेजी से चल रहा है कि इसे 2025 तक पूरा कर लिया जाएगा, जिसकी उम्मीद दुनिया में किसी को भी नहीं थी। अफगानिस्तान जैसे देश बिना किसी डेवलप्ड देश की मदद से ऐसे मुश्किल काम को अंजाम दे रहे हैं, तो अफगानिस्तान के लिए एक हार्ट तो बनता है। एक गरीब घर का लड़का जिसने सपना देखा कि वो एक दिन हॉलीवुड का सुपरस्टार बनेगा, जिसके लिए उसने काम भी करना शुरू कर दिया, लेकिन उसकी जुनूनियत की हद तब हो गई जब उसने अपने ही नाम से $10 मिलियन का एक चेक काटा और डेट उस पे 5 साल बाद की लगाई। फिर उसने उसके लिए हार्डवर्क करना शुरू किया और देखते ही देखते 5 साल बाद उसकी कड़ी मेहनत की वजह से उसे एक मूवी का ऑफर मिला, जिसका नाम था डम्ब एंड डम्बर, और उसके लिए उसे $10 मिलियन का चेक दिया गया। गाइज, मैं बात कर रहा हूँ जिम कैरी की। अगर जुनूनियत हो और उसके लिए आप कुछ भी करने को तैयार हो, तो कोई भी चीज नामुमकिन नहीं है। एक बार एक चाइनीज व्यक्ति एक एनिमल शेल्टर से एक बहुत ही प्यारे कुत्ते को घर पे लेके आया। वो कुत्ता बहुत ही समझदार था, लेकिन उस चाइनीज व्यक्ति ने एक अजीब सी हरकत उस कुत्ते की नोट की। वो कुत्ता पूरी रात अपने मालिक को सोते हुए देखता था। शुरू में उन्हें लगा कि शायद वो नया है, इसलिए एडजस्ट होने में समय लग रहा है, लेकिन जब वो लगातार ऐसा करता रहा तो उन्होंने उसे डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने कहा कि ये तो बिल्कुल स्वस्थ है। थक हार कर जब कुछ समझ में नहीं आया तो वो उसी शेल्टर में दोबारा गए, तो जो शेल्टर वाले ने जवाब दिया वो आप लोगों को सुनना चाहिए। शेल्टर वाले ने कहा कि जब ये सो रहा था तब उसका पुराना मालिक उसे उठाकर यहाँ शेल्टर में छोड़ के चला गया, शायद इसीलिए वो पूरी रात आपको देखता है, कहीं आप उसे धोखा ना दे दो। गाइस, ये बेजुबान जानवर भी फीलिंग्स रखते हैं, इनमें भी संवेदनाएं होती हैं, इनका भी ध्यान हमें रखना चाहिए।